भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 28 अक्टूबर को होगा उनका शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है, अब हम मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात भी कही है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। अब इससे पहले पेनी मॉर्डोंट ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनने की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस बीच कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसदों में से आधे से अधिक सांसदों ने उनका समर्थन किया। पार्टी का नेता बनने के लिए ऋषि सुनक को कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। ऋषि सुनक ने पीएम चुने जाने के बाद ब्रिटेन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने संसदीय सहयोगियों का समर्थन पाकर और कंजर्वेटिव और यूनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी उन्हें और कहा कि आने वाले समय में अब मिलकर काम करेंगे। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं, ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, अब हम मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें वो शपथ लेंगे और ऐसे में अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे। उस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब मिलकर काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और ऐसे में भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक शपथ लेंगे और ऐसे में पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है, अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। नारायण मूर्ति ने ऋषि सुनक को भी बधाई दी, हमें उन पर गर्व है, नारायण मूर्ति ने यह कहा। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको लगातार हम दे रहे हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे।